अगला सवाल अपने पास है बीकाजी फूड्स के बारे में। आज ही आईपीओ खुला है अमित जी, सिर्फ बीकाजी खाते हैं सप्ताह में, हर रोज नहीं खाते हैं, सिर्फ सोम मंगल बुध मतलब शनिवार इतवार तक सब रोज बीकाजी खाते हैं, सिर्फ स्क्रीन पर कैमरे पर। असल में कितना खा पाते होंगे ये तो पता नहीं, डॉक्टर उनके हाथ से छीन लेगा। लेकिन आप बीकाजी खाते हैं क्या? शायद खाता होगा, मुझे याद तो नहीं है कौन सा ब्रांड है, मैं जो मिल जाता है खा लेते, इतना ब्रांड कॉन्शियस तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ बीकाजी ब्रांड तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा जवाब दूसरा है, नहीं मुझे लगता है बच्चन साहब बीकाजी खाते हैं, मेरा तो पता नहीं। तो बीकाजी खाने के लिए ठीक है, ऐसे तो महंगा है, कौन सा उसका भुजिया कौन सा सस्ता है। तो आप मुझे पूछेंगे तो आईपीओ मुझे किस कारण से पसंद नहीं है, कम से कम हर बार तो अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो शायद वो हो सकता है मर्चेंट बैंक मेरे अगेंस्ट ही अभियान चला दें। लेकिन मुझे ये चीज से बहुत आप कह सकते हैं मर्चेंट बैंकर्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो भी कंपनीज है बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, क्योंकि वो आईपीओ लेके आते हैं और पब्लिक का फंड इनवाइट करते हैं, लेकिन उनके लिए टेबल पे कुछ भी नहीं दिखता मुझे। और इसके मद्देनजर मैं यही कहूंगा कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहेगा बीकाजी खरीदने में यहाँ पे, जब तक मुझे इसके वैल्यूएशंस और अच्छे नहीं दिखे। तो यहाँ से अगर 20-30% कम से कम करेक्शन होना चाहिए तब जाके कुछ बात बनेगी, उससे पहले मेरे हिसाब से तो बात नहीं बनेगी वैल्यूएशन फेवरेबल होने के हिसाब से। बाकी आपके आईपीओ में मिला है तो ठीक है, आईपीओ लिस्टिंग से तो काफी नीचे आ चुका है, 317 के आसपास का प्राइस है, तो थोड़े दिन वेट एंड वॉच कीजिए। वैसे भी आपने लिया हुआ है तो आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप इसको बेच के निकल जाए, वैल्यूएशन मुझे ठीक नहीं लगता है इस लेवल पे, या आप एक दो क्वार्टर और रिजल्ट देखिए रिजल्ट कैसा देते हैं, क्योंकि आईपीओ के बाद नॉर्मली रिजल्ट तो बहुत अच्छा नहीं देते हैं। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है कि सेक्टर के साथ ही रिजल्ट आना चाहिए, उसमें तकलीफ तकलीफ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक दो क्वार्टर रिजल्ट देखिए, अगर अच्छे रिजल्ट आए तो वैल्यूएशन अपने आप कंफर्टेबल होने लगेंगे। ये चीज है कि ये इस सेक्टर का स्टॉक है कि इसमें आप 5 साल भी होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं एक अच्छा फेवरेबल वैल्यूएशन मिला तो और ऐड करेंगे, लेकिन इस लेवल पे तो मेरा डिस्कम्फर्ट है। जी, अब यहाँ पे चूंकि सिर्फ एक ही दिन आज ही लिस्टिंग हुई है तो इसके चार्ट में ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, इसलिए मैं इसके चार्ट पर नहीं जा रहा। लेकिन ये दिखता है कि शुरुआत के 2-3 घंटे इसमें उत्साह रहा और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो फिर चूंकि इनके सवाल का दो हिस्सा है कि लंबे समय के लिए रख सकते हैं क्या, मतलब रखे रहने की बात कर रहे हैं, या जो भी लिस्टिंग गेन मिल रहा है उस पर बेच करके निकल जाएं। तो अगर आपके हाथ में होता सोमेश तो आप क्या करते? हाँ मैंने वो बताया अभी कि देखिए, अगर आपको 5 साल रखना है तो सेक्टर और कंपनी ब्रांड किसी में कोई इश्यू नहीं है, और इस सेक्टर में आपको एक कॉमेंसरेट ग्रोथ मिलेगा भी, सबको मिल रहा है, आप इस कंपनी को भी मिलेगा। मुद्दा ये है कि 5 साल रखना नहीं है, सिर्फ रखना ही उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी अच्छे वैल्यूएशन पे नीचे मिलता है तो और ऐड भी करना चाहिए, मेरा वो कहना है। मेरा इस लेवल पे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, लॉन्ग टर्म में कंपनी वाइड कोई इशू नहीं है, वैल्यूएशन के अलावा कोई इशू नहीं है, तो रख सकते हैं। नीचे आपको अच्छे समय वेट करना पड़ेगा, कभी अच्छा करेक्शन पुल अप होता है तो देख के फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, हमने पिछले बुधवार को LIC का डिस्कशन किया था, पिछले या उसके पिछले बुधवार को। तो अच्छी चीजों में होता ही है कि हमको एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट होता है, LIC में तो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट भी नहीं था, मेन था कि मेन समझ नहीं आ रहा था, तो अब एटलीस्ट इस बारी के रिजल्ट से इतना समझ में आने लगा। तो उसको आप बीकाजी में भी देखिए रेप्लीकेट करके, कि जब रिजल्ट समझ में आने लगेंगे लिस्टिंग के बाद तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग बेटर हो सकता है, वो मैं कहना चाह रहा। जी, तो अभी लिस्टिंग गेन के चक्कर में पड़े या रख सकते हैं? अगर 5 साल रखना है तो रख रख ही लें। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगती दिक्कत है रखने में, वैसे भी बस जी इस मेंटेलिटी से आपको रखना है कि कभी अच्छा, क्योंकि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मुझे 20-30% का कम से कम करेक्शन चाहिए अपनी पोजीशन शुरू करने के लिए या सोचने के लिए। तो कभी वैसा मिलता है, मालूम नहीं मिलेगा जी नहीं मिलेगा,
अगर मिलता है तो आपको ऐड करने का भी थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए स्टैंडर्ड।